अगली खबर आ रही है डिंडौरी जनपद से, जहां जमगांव में जल संकट से लोग जूझ रहे हैं। नलों में पानी नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि नल जल योजना के तहत पानी सप्लाई विगत 8 दिनों से बंद है, जिसको लेकर लोग परेशान हैं। दरअसल बस स्टैंड मोहल्ले के ग्रामीणों का आरोप है कि पानी ऑपरेटर के द्वारा पानी सप्लाई को लेकर मनमानी कर रहे हैं। ग्रामीणों के द्वारा ऑपरेटर से पानी चालू करने पर ऑपरेटर द्वारा अपशब्द बातें कही जाती हैं, साथ ही धक्का मुक्की करने पर उतारू हो जाते हैं और मोहल्ले निवासी व्यक्तियों के ऊपर FIR कराने को बोलते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ऑपरेटर का कहना है कि जब मेरी मर्जी होगी तब नल चालू करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ग्रामीणों ने कहा कि ऑपरेटर कहता है कि मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, ऐसी ऐसी बात करता है। वहीं ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द पेयजल समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। छह दिन से हम लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, 6 दिन से परेशान है। ये पूरी माताएं ये बच्चे को ले लेकर जाती है नल, ये लोग बेड पर बच्चे लोग सोए रहते हैं और ये लोग पानी लेने जाती है, अन्यथा अगर इनके बच्चे अगर बेड से अगर गिर जाएं तो इन बच्चों का क्या होगा। 8 दिन हो गए बिल्कुल पानी नहीं दिया जाता। कितने पानी दिए जा रहा है? 8 दिन हो गए। पानी की कितनी समस्या है? बहुत समस्या है। इनका समस्या का हल करें और इनकी समस्या का सब लोगों को आगे बढ़ाइए वीडियो को। और ऑपरेटर दादागिरी करता है चालू करने में। ऑपरेटर सुबह से आया और पूछे इन लोगों से क्या किया जाए तो धक्का मुक्की करता है। धक्का मुक्की करता है मेंबर के हमारे बल्कि यहाँ लग गया है।